हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के। जैसा कि आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को केमिस्ट्री के क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जितने भी एग्ज़ाम, जैसा कि हमारा ग्रुप डी NDPC, ठीक है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी में हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जैसा कि ग्रुप डी और NTPC NSSC एग्जाम आ रहे हैं आपके, तो उन सभी में ये कुछ सब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो गाइस है, वो कह रहा है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, मतलब ऐसा कौन सा मेटल्स या धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ, अम्ल मतलब कि क्या होता है, एसिड, ठीक है, अम्ल का मतलब एसिड और क्षार का मतलब बेस, ठीक है, तो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, ऐसा कौन सा मेटल्स है। तो आपका आंसर होगा जिंक, है ना। जिंक हमारा ऐसा मेटल्स है जो हाइड्रोजन मतलब कि अम्ल और बेस से क्रिया करके हाइड्रोजन को निकालती है। ओके गाइस, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, है ना, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं गाइस, इसलिए इस चीज को बहुत ही ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कर्नलाइट किसका खनिज है, ठीक है, कर्नलाइट किसका खनिज है, तो मैग्नीशियम का खनिज है। किसका है, मैग्नीशियम का। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर हमारा है गन मेटल किसका अयस्क है, गन मेटल किसका अयस्क है, तो इसका आंसर होगा तांबा, टिन और जिंक का अयस्क क्या है, गन मेटल। गन मेटल जो होता है वो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फाइव नंबर कह रहा है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है क्या, सल्फर यौगिक, है ना, सल्फर यौगिक जो है वो लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सिक्स नंबर की। सिक्स नंबर हमारा क्या पूछ रहे हैं, जल में आसानी से घुलनशील है, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है या ऐसा कौन सा हम कह दें मेटल्स है जो हमें जल में आसानी से घुल जाता है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो जल में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का रासायनिक नाम या हम कह सकते हैं कि सिरका का केमिकल नाम क्या है ना गाइस, क्या होता है, केमिकल। हम ये कह सकते हैं कि सिरका का केमिकल नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। क्या होगा, एथेनोइक एसिड। तो याद रखिएगा कि सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट नंबर कह रहा है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। गाइस याद रखिएगा कि जो हमारी रेड कलर की आंट होती है उसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो हमारा होता है वो लाल चींटियों में पाई जाती है, जिसका स्वाद कैसा होता है, अगर टेस्ट किए होंगे तो जिसका स्वाद खट्टा होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। क्या होगा गाइस, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन नंबर। टेन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन नंबर हमारा क्वेश्चन है वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है। ठीक है, वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होगी, तो आप सभी को पता है कि वाहन से जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO। ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। गाइस याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका फार्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है CO। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फोटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन से हैं।
मतलब कि फोटोजोग्राफी होता है, जो हम फोटो वगैरह कैमरे से खींचते हैं, उसमें जो यौगिक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं फोटोग्राफी में यौगिक होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? मतलब कि इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि भारत में सबसे ज्यादा मीथेन गैस की मात्रा कहाँ पे पाई जाती है? तो गाइस, सबसे ज्यादा मीथेन की मात्रा धान के खेत में होती है। याद रखिएगा कि धान के खेत में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, उसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया जाता है। एंड आप याद रखिएगा, जो गाय होते हैं उनके मुंह में भी मीथेन गैस पाई जाती है, उनसे भी हमें गैस इकट्ठा की जाती है मशीनों के द्वारा। और मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। ठीक है, क्या होता है? CH4। ओके, और एक चीज और याद रखिएगा कि मैं आपको इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बता दे रही हूँ कि मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं गाइस? मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दलदल में पाए जाते हैं, दलदल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। मतलब कि नमक मिश्रित कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा हम नमक और कपूर को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिस का तेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कासिस का तेल जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कासिस का तेल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? गाइस, आप सभी के घर में यूज होता है, तो जो हमारा दूध होता है उसको दही में परिवर्तित करने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज होता है? तो उसका आंसर क्या बताएगा? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऐसे बैक्टीरिया है जिनके कारण से हमें दूध को दही के रूप में बदलने की, मतलब दूध को हम दही में उसके कारण बदलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदलते हैं? तो वो आंसर होगा सीसा। ठीक है, क्या होगा? सीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट कह रहा है, किस रेडियो एक्टिव, ठीक है, कह रहा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो एलिमेंट्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ी? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? आंसर है विखंडन प्रक्रिया। क्या होगा गाइस? इसका आंसर है विखंडन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट है हमारा, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करना चाहिए? मतलब कि चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या हमारा क्वेश्चन है? 22 नंबर है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो आंसर हमारा क्या है? आंसर कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 जो होता है वो रक्त कैंसर एंड ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने वाला उपयोगी रेडियो आइसोटोप होता
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 23 नंबर आप देख लीजिए हमारे स्क्रीन पर। 23 नंबर क्या है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है विद्युत धनात्मक तत्वों को संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड जो होता है वो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन की +2, ठीक है, ऑक्सीजन की +2 चार्ज ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक कौन से हैं, तो -F2 कौन है, -F2O जी होते हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 26 नंबर, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका गाइस, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा 26 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनसे सारे क्वेश्चन हमारे बहुत सारे फंसते हैं। और अगर आप NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, ठीक है, तो आप प्लस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादातर ज़रूरत है, आपको क्या ज़्यादातर ज़रूरी लग रहा है कि हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी कि आपको मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दूँ, ताकि आपका पेपर आसानी से निकल जाए और आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आती है तो आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।